आशीर्वाद कमल ने दो वोट पड़ी थी भैया, एक एमसी की और एक चेयरपर्सन। कमल का फोन पे बटन, ठीक है नमस्कार। यह सीधी तस्वीरें आप कैथल के अर्जुन नगर से देख रहे हैं, जहां पर भाजपा प्रत्याशी सुरभि गर्ग पहुंच चुकी है डोर टू डोर करने। आपको बता दें, नगर परिषद के चुनाव में अब की बार महिला की जो प्रधान की सीट आरक्षित है उसको लेकर 11 नामांकन हुए हैं, पर 11 नामांकन में एक बात यह देखने की है कि उन नामांकनों में पुरुष है वह फील्ड में है, पर अकेली महिला ऐसी है जो सुरभि गर्ग है जो डोर टू डोर करती नज़र आ रही है और ग्राउंड पर जो दिख रही है पार्टी का प्रचार करते हुए। आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जो चुनावी इनके मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर यहाँ पर यह पहुँची है, इनसे यह भी जानने की कोशिश करेंगे और पूरी बातचीत करेंगे और इनके साथ जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अर्जुन नगर पहुँचे, किस प्रकार से जनता का समर्थन? ये देख ही रहे हैं आप, मेरे पीछे इतनी जनता है, मुझे इतना प्यार दे रही है ये जनता कैथल की, इतना खुश कर दिया इन लोगों ने। अब तो हौसला और बढ़ गया है कि आज कर देगा अर्जुन नगर पूरा। जो दो दो साल से नजर आ रहे हैं, हालांकि महिला सीट है पर पुरुष उसमें दो दो साल से नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रहूंगी, मेरे लिए मेरे मार्गदर्शक होंगे मेरे फादर इन लॉ और मैं पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रहूंगी। मैं बहुत खुशी हुई कि बीजेपी से कोई लेडीज खड़ी हुई और हमारे लिए ये बहुत अच्छा कि हम इनको वोट दें और हम इनको जिताएं। बीजेपी के साथ हम देखना है, हमें तो चाहिए कि ऐसी कोई लेडीज खड़ी हो जो हमारे सपोर्ट में खड़ी हो और हम उनके लिए खड़े हों, भाई हम उनको वोट दे के आगे करें और हम उनके लिए उनके साथ हैं, पूरी तरह से हम उनके साथ हैं। हमें ऐसी ही कोई लेडीज चाहिए थी भी जो इस चीज़ को आगे बढ़ाए। बहुत अच्छा लग रहा है हमें, हमारे लिए बहुत अच्छी तरक्की होएगी, इनका बहुत ही अच्छा सहयोग होएगा, बहुत अच्छा करेंगे, हमारे लिए तो बहुत अच्छा ही होएगा सब। हमारे तो सारा पड़ोस हमारे साथ ही है, सारी गली हमारे, सारा अर्जुन नगर हमारे साथ है। अर्जुन जी भाजपा की तरफ से आपकी बेटी।